सबसे पहले गाइस आपको इस चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा चैनल बहुत टाइम पहले हैक हो गया था, उसके बाद इसमें कंटेंट भी चेंज है, ऑडियंस भी चेंज है। ऑडियंस से पहले मेरे पास एप्लीकेशन से रिलेटेड, उस टाइम पे फेस वीडियोस नहीं बनाता था मैं, फेसलेस वीडियोस होती थी। ये स्टार्टिंग में ही मैंने चैनल क्रिएट किया था, 2016 से मैंने स्टार्ट किया था। और आज की डेट में जो 2016 में फेस वैल्यू के साथ आए थे ना, वो आज के टाइम में बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ये चैनल हैक हो गया था और हैक रहा मेरा 2 साल तक ये चैनल हैक रहा। उसके बाद क्रेजी भाई मिला, क्रेजी भाई ने ये रिकवर करवा के दे दिया मेरे को। और इस पर मेरी मतलब एक जिद कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि मेरा यूट्यूब वकील, अगर आप चैनल चेक करोगे ना, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम में अपडेट मतलब ग्रो हो गया था। लेकिन मुझे इस चैनल के साथ मेरे सेंटिमेंटल्स जुड़े थे, इसलिए मैंने इस चैनल को अभी तक नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगा। चले ना चले वो बाहर की बात है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी दे रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने एल्गोरिथम को समझा, क्योंकि मेरे पास और भी चैनल्स हैं, वो अच्छे खासे व्यूज़ दे रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग दे रहे हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा CMS का काम भी है, तो ये चले ना चले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप नया चैनल खोलते हो और आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, भाई आप उस टॉपिक पे काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, जैसे कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। भाई इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, हर तरीके से आपको व्यूज़ बढ़ाने के लिए बताएंगे। भाई तरीका तो एक या दो या तीन होंगे, 300 तरीके थोड़ी होते हैं, 50 तरीके थोड़ी होते हैं कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। व्यूज़ तो एक ही तरीका होता है ना, जो हम बता देते हैं कि टैग डालिए, डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालिए, वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन भाई इस बात को घुमा घुमा के वो आपको क्यों बताते हैं? क्यों? क्योंकि उनको भी व्यूज़ चाहिए। जब आप वीडियो डालते हो और आपके मन में ये होता है कि भाई आज आप कुछ अच्छा बताने वाले हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करने आए हैं ना, तो आपको कम से कम 1 साल मेहनत करिए। ये चैनल, जिस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, इस पे व्यूज़ आने स्टार्ट भी हुए थे, लेकिन मेरी कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे मैं एज ए मतलब अपनी एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो गाइस आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको किसी के नीचे कमेंट नहीं करने, वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करने, अभी हमें प्रमोट कर दो, इस तरह से कर दो। भाई जब आपकी वैल्यू होगी, आपके कंटेंट में वैल्यू होगी ना, तो आपका कंटेंट खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस, यार सभी को पता है, ऑडियंस अटेंशन को होल्ड करोगे ना, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। आप क्या करते हो भाई, कोई ऐसी वीडियो डाल देते हो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, कोई कंटेंट क्वालिटी नहीं होती है, लोग उसे देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं। एक बार आप अपनी ऑडियंस रिटेंशन चेक करिए, जब आपकी ऑडियंस रिटेंशन स्टिल ज़्यादा आनी स्टार्ट हो गई ना, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी के पीछे मत भागिए यार, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। आपकी वीडियो को ग्रो करने के लिए, देखिए स्टार्टिंग में आपको वीडियो कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे देना है, ये चीज़ें सीखनी है। उसके बाद आप सब कुछ सीख चुके हो, हमारे मन में एक चीज़ होती है कि भाई उसके व्यूज़ आ रहे हैं, उसे कुछ ना कुछ सीक्रेट पता है, लेकिन उसे कुछ सीक्रेट पता ही नहीं होते हैं। और वो ऑटोमेटिकली या तो लगा लो तुक्का, या फिर लगा लो कुछ मतलब लक लगा लो, इस तरह से उसकी वीडियो वायरल हो रही है, या फिर उसने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किया हुआ और आज वो आगे आ गए हैं। राहुल एक्टिव भाई की वीडियो देखी थी ना, सबसे पहले वो वॉच टाइम पे वीडियोस डाल रहे थे। भाई जब उनकी वो वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद उन्होंने और भी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, कोलैब करना स्टार्ट कर दिया, तो वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने चैनल को लेकर सीरियस हो जाओ, कंटेंट डालो, तभी आपके वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी। कंटेंट क्वालिटी नहीं है तो भाई आपका चैनल ग्रो कभी नहीं होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि आपके चैनल पे व्यूज़ किस तरह से बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।